हेलो गाइज, यू आर वेलकम बैक अगैन इन माई चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको जो है सिखाऊंगा सॉफ्ट पेस्टल आप कैसे यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल, ड्राई पेस्टल जिनको हम बोलते हैं, सॉफ्ट पेस्टल एंड ड्राई पेस्टल। तो गाइज, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास हैं, देख रहे होगे आप, ये सॉफ्ट पेस्टल हैं। और ऐसे ही इसमें जो है काफी शेड्स के आते हैं हमारे, जो है 48 शेड्स हैं इसमें, आप देखो इसमें 48 शेड्स हैं। और अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं जो है सॉफ्ट पेस्टल, ड्राई पेस्टल, इनका जो है आप इनको सॉफ्ट पेस्टल भी बोल सकते हैं और इनको जो है आप ड्राई पेस्टल भी बोल सकते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके अंदर जो ऑयल पेस्टल जो बेस होता है उनका बेस होता है ऑयल, जिससे कि वो ऑयल, लिंसिड ऑयल और अदर ऑयल्स को मिक्स करके वो बनाया जाता है। और सॉफ्ट पेस्टल में कोई भी बाउंडर नहीं यूज होता, ये सिर्फ जो है ड्राई पिगमेंट्स होते हैं। और इसके लिए हमें जरूरत होती है फिक्सेटिव की, इसको फिक्स करने के लिए। देखिए, तो ये फिक्सेटिव है, जब हम जो है ड्राई पेस्टल करते हैं तो ड्राई पेस्टल के ऊपर फिर हमें अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद में हम यूज करते हैं फिक्सेटिव। तो इन दोनों का लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां से बाय कर सकते हैं इसको और आप ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूंगा आपके किस तरीके से आप जो है अपना ड्राई पेस्टल यूज करेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए पहले तो इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी इंटरेस्टेड हो फाइन आर्ट में, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप उनको ये जो है मेरी वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज, चलिए अभी मैं आपको जो है दिखाता हूँ हाउ टू यूज सॉफ्ट पेस्टल कलर, ड्राई पेस्टल कलर्स। तो ये देखिए मेरे पास जो है ये ड्राई पेस्टल कलर्स हैं। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको साइड रख देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के जो हैं होते हैं, 48 शेड्स में है हमारे जो है ड्राई पेस्टल। और जो मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप यूज करेंगे। तो ये देखिए, लाइट शेड से जा रहा है डार्क की तरफ शेडिंग, आप देख रहे हैं इसकी जो इसकी टोन्स हैं। और ये जो है फ्लोरोसेंट कलर्स हैं, इसके अंदर फ्लोरोसेंट कलर्स भी दिए हुए हैं इन्होंने, और ये लाइट टोन्स हैं हमारी। तो अभी देखिए मैं आपको नॉर्मल आपको समझा देता हूँ और आप अच्छे से ही करिएगा इसको। ये मेरे पास एक पेपर है, A4 साइज का पेपर, जो नॉर्मल पेपर आता है हमारा 35 GSM का, वो पेपर है मेरे पास में। तो हम जो सॉफ्ट पेस्टल करेंगे शुरू, वो हम शुरू करेंगे लाइट टू डार्क। गाइज, ये चीज ध्यान रखें, लाइट टू डार्क हम जाएंगे इसके अंदर। ये ना हो कि आप एकदम से जो है इसके अंदर डार्क कलर लगा दें। बेस्ट शीट जो होगी इसके लिए वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर हैंडमेड पेपर, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर कोई पिगमेंट तो होता नहीं है हमारे, इसके अंदर कोई हमारा बाउंडर तो होता नहीं है, तो ये जो है अच्छे से ऑब्जर्व करती है जो हमारी शीट होती है, जो हमारी ये वाली शीट होती है, हमारी हैंडमेड शीट जो होती है हमारी, वो अच्छे से ऑब्जर्व करती है। ये तो नॉर्मल पेपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम यूज करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक व्हाइट का पीस आता है, यानी कि व्हाइट कलर का। आप पूरी शीट पर हल्का सा एक हल्के हाथ से जो है व्हाइट लगा लीजिएगा हैंडमेड पेपर पर, अपने पे या जो भी शीट आप यूज कर लेंगे, तो इससे जो है इसका जो ब्लेंडिंग वाला जो टेक्सचर है वो अच्छे से हो जाएगा हमारा। तो अभी हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर, हम देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है, और इसको हाथ से हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग, ठीक है। एकदम से जो है हम इसको प्रेस करके नहीं बनाएंगे, एकदम से जैसे फटाफट हमने डार्क करके ऐसे कर दिया नहीं, धीरे 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 हम इसको जाएंगे, ये चीज ध्यान रखें थोड़ा सा। अब इसमें जैसे मेरे को ऊपर की तरफ मेरे को लाइट चाहिए, तो मैं व्हाइट कलर इसके अंदर साथ में मिक्स कर दूंगा। देखिए कितना अच्छा आ रहा है अभी मिक्सिंग जो है ना। तो ऐसा कुछ आप जो है बना सकते हैं, और मेरे को जो है आप भेजिए बनाकर भी। तो देखिए अभी मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पर हमने येलो ले लिया, अभी हम जो है इसमें ग्रीन टच करेंगे थोड़ा सा कलर, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप जो है ज्यादा शेड्स के लीजिएगा,
ये ना हो कि कम शेड्स के ले लें तो फिर इसको मिक्स करने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जैक्ट ये समझ लीजिए आपके हाथ में जो है कलर ट्यूब है, अब डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मिक्सिंग करने में इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको अगर आपके पास जो है लिमिटेड जो है शेड्स हुई, ठीक है, कुछ शेड्स जो है आ नहीं पाती उसके अंदर। तो अभी जो है इसमें ग्रीन की शेड्स हैं, जैसे लाइट टू डार्क ग्रीन, तो हम लाइट टू डार्क ही जाएंगे उसमें। तो आप देखिए इस तरीके से आप जो है ब्लेंडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ आप करिए इसके अंदर, और उसमें ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हो, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर आप चला सकते हो, थोड़ा लेयर वर्क हो जाएगा इसके अंदर। तो पर स्टार्टिंग हम जो इसमें करेंगे वो हम करेंगे लाइट टू डार्क, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। और मस्ती करके करिए काम, एकदम परफेक्शन में जो स्टार्टिंग में तो आप पे होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें भी आपको पूरा प्रॉपर जो है टाइम चाहिए होगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो देखिए ये तो मेरे पास जो शीट है, ये मेरे पास जो फोटोकॉपी जो हम जीरोक्स कराते हैं उस शीट पे कर रहे हैं, इतना है। तो इसमें देखिए आप हट रहा है, देख रहे हैं ना आप, अच्छे से जो ऑब्जर्व नहीं हो रहा। अगर आपके पास हैंडमेड पेपर है तो आप हैंडमेड पेपर यूज़ करिएगा उसके अंदर, तो हैंडमेड पेपर पे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका काम। और इसके बाद में आपको ज़रूरत होगी फिक्सेटिव की, ठीक है, और साथ ही साथ में आप इसमें मिक्सिंग में यूज़ कर सकते हैं ये वाली ईयरबड्स जो आती हैं हमारी, इसको जहाँ आप डिटेलिंग में करेंगे तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं ईयरबड्स वगैरह। तो ऐसा कुछ आप जो है ड्रॉ करते रहिएगा। देखिए अभी इधर हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये अभी मैं आपको वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ, आप और अच्छे से करिएगा इसको, क्योंकि अगर मैं वैसे बनाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसमें जो है वर्क जो होगा आपका स्ट्रोक से, जैसे ब्लेंडिंग के बाद में आप इसमें जो है स्ट्रोक वर्क करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप काम करेंगे इसके अंदर। जहाँ लाइट है तो वहाँ लाइट आप ऐसे करके टच करके निकाल देंगे उसमें लाइट। तो ऐसा आप जो है करते रहिए काम और भेजते रहिए मेरे को। और ये हम ग्रीन ले रहे हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन। तो ऐसा कुछ आप बनाइए यहाँ, जैसे लाइट चाहिए हमें। अरे मीडियम ग्रीन हो गया हमारा। ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है ना गाइस, करिए आप और ट्राई करिए। ये इधर भी मैं आपको बता देता हूँ ब्लेंडिंग, ठीक है। अभी हम इसकी तरफ ऑरेंज की तरफ जाएंगे, किस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ वाइट लेंगे हम थोड़ा सा। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप इसको ब्लेंड करें, अब देखिए मेरी फिंगर कैसी हो रही है। आप अब मैं इसको लाइट में फिंगर को लगाऊंगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा, तो आप उसके लिए जो यूज़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर या कोई कॉटन क्लॉथ, ठीक है। और ऐसे करके आप साफ करके तभी आप जाइएगा इधर की तरफ लाइट टू डार्क, ठीक है, वरना अभी मेरे हाथ में जो फिंगर में जो ग्रीन लगा हुआ था तो ग्रीन भी आ जाता इसके अंदर। इस तरीके से आप काम करते चले जाएंगे, जितना लाइट आपने करना है करिएगा। और मैं तो यही आपको जो है एडवाइस दूंगा कि आप यूज़ करें इसके अंदर हैंडमेड पेपर, तो वो ज़्यादा अच्छा जो है इसमें इफ़ेक्ट दे पाएगा आपके जो है ड्राई पेस्टल में, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है शेड्स, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल आपको शेड्स बता रहा हूँ गाइस। जितना डार्क आपने करना करिए, बड़े हल्के हाथ से, जो लास्ट में जब हम काम करते हैं तो बड़ा जो है प्रेशर कम देते हैं अपने फिंगर पे,
वरना वो वहाँ से हटने लगेगा पेस्टल, क्योंकि ये देखिए कितना अभी शेड आपको दिख रही होगी इसके अंदर। सिर्फ ये जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए बस इसको, ठीक है, और ट्राई करिए घर पर। जैसे मीडियम टोन में अब हमने इधर रख लिया इसको। जब ये सब काम आपका हो जाएगा तब उसके बाद में आप यूज़ करेंगे इस पर फिक्सेटिव, ठीक है। फिक्सेटिव आप कैसे यूज़ करेंगे, आप इसको जो है हल्का सा इसको ऐसे टिल्ट कर लेंगे, उठा लेंगे किसी बोर्ड पर, और ये देखिए कम से कम 1 फीट की दूरी पे हम इसको इस तरीके ऐसे हम यूज़ करेंगे इसको गाइस, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता इसको क्योंकि इसके अंदर थिनर वगैरह होता है, आप इसको आउटडोर में यूज़ करेंगे। एक बार आपने इस तरीके से लगाया, दूसरी बार आपने ऐसे लगाएंगे इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, ये जो है फिक्स हो जाएगा इससे, ठीक है। ध्यान रखिए और मुंह पे मास्क लगा लीजिएगा, ये मेरी नाक में चढ़ गया है गाइस, मुझे बहुत बुरी लगती है इसकी स्मेल। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको भारी करिएगा आउटडोर में, मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा दिया है। और ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने नॉर्मली आपको बना के दिखाया, अच्छे से बनाइएगा इसको गाइस, ठीक है। और जो आप हैंडमेड पेपर जो है यूज़ करिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।